For demonstration Here we have 23 stitches on my needle. 21 stitches, multiple of 7, 3 times 7 plus 7, 14 plus 7, 21, and plus 2 edge stitches, 23. And here I pull 2 base row. You can knit any border you want. So let's begin. This is first row and right side slip inch From here we start our repeat pattern. पॉल टू वन टू नेट थ्री वन टू थ्री पॉल टू वन टू दैट्स आर रिपीट फ्रॉम हैटो है पॉल टू नेट थ्री पॉल टू दिस इज सेवन स्टिचेस पैटर्न टू फोर सिक्स सिवन अगेन वी रिपीट दिस पैटर्न हाउ मच जो है पॉल टू वन टू नेट थ्री वन टू थ्री पॉल टू वन टू वन मोर टाइम पॉल टू वन टू नेट थ्री वन टू थ्री पॉल टू वन here we complete three time repeat pattern last edge knit edge from right side first row is completed now second row wrong side slip and yarn in back and knit these all stitches till the end of row edge from wrong side now this is third row right side this row again we make same as row first slip edge from here we start our repeat pattern paul 2 1 2 knit 3 1 2 3 paul 2 1 2 that's our repeat from here to here paul 2 नेट थ्री पॉल टू अगेन वो रिपीट दिस पैटर्न हमें जो है पॉल टू वन टू नेट थ्री वन टू थ्री पॉल टू वन टू वन मोर टाइम पॉल टू वन टू नेट थ्री वन टू थ्री पॉल टू One, two. Knit edge from right side. Third row is completed now. Fourth row, wrong side, slip edge and again knit these all stitches till the end of row. paul edge from wrong side now this is fifth row right side again we make same as row first slip edge from here we start our repeat pattern paul to 1 2 knit 3 1 2 3 to 1 दैट्स आर रिपीट फ्रॉम है टू हैव पॉल टू नेट थ्री पॉल टू अगेन वी रिपीट दिस पैटर्न हाउ मेस्ट यू हैव पॉल टू वन टू नेट थ्री वन टू थ्री पॉल टू वन टू वन मोर टाइम पॉल टू वन टू नेट थ्री वन टू थ्री पॉल टू वन टू नेट एज फ्रॉम राइट सैड फिफ्थ रॉ इज कंपनीटेड नाउ सिक्स रॉ रा सैड इन दिस रॉ निटैज नेट एंड पॉल एस पॉल स्ली फ्रॉम हेवी स्टार्टअर रिपीट पैटर्न नेट टू वन टू पॉल थ्री वन टू थ्री ने दैट्स आर रिपीट फ्रॉम हैटो है नेट्टो पॉल थ्री नेटो अगेन वो यू रिपीट दिस पैटर्न हाउ मेस्ट यू हैव नेट्टो वन टू पॉल थ्री वन टू थ्री नेटो वन टू वन मोर टाइम नेटो वन टू पॉल थ्री वन टू थ्री नेट ने वन टू पॉल फ्रॉम फ्राम साइड सेवन राइट साइड स्लिप एच फ्रॉम वी स्टार्ट अवर रिपीट पैटर्न पॉल वन यान इन बैक निगैदर फ्रॉम फ्रंट लाणव नैट वन यानव यानव नैट वन यानव एस एसके एस एसके मीन्स स्लिप वन नेट फाइव स्लिप टू नेट फाइज नेट टूगैदर फ्रॉम बैक टू पॉल वन दैट्स आर रिपीट फ्रॉम हैड टू हे पॉल वन नेट टूगैदर याणव ने नेट वन याणव एस एसके पॉल वन अगेन वी रिपीट दिस पैटर्न हम एस जो हैव पॉल वन नेट टूगैदर याणव नेट वन याव एस एसके स्लि स्ली एंड निट फ्रॉम बैकलो पॉल वन वन मोर टाइम पॉल वन नेट टूगैदर यानव ने याणव एसएसके स्प एंड्रॉम बैकलो पॉल वन लास्ट एज ने फ्रॉम रईट सैड 7 row is completed now. 8 row wrong side again. It has knit and paul as paul. Slip edge knit one now paul five one yarn over stitch also paul two three four five knit one. That's a repeat from here to here knit one paul five knit one again knit one. पॉल फाइव वन टू थ्री फोर फाइव नेट वन वन मोर टाइम नेट वन पॉल फाइव वन टू थ्री फोर फाइव नेट वन पॉल एज फ्रॉम राॉ साइड नाइन सा राइट साइंड स्लिप एंच फ्रॉम वी स्टार्ट आवर रिपीट पैटर्न नेट टूगैदर यानव नेट थ्री वन टू थ्री यानव एस एसके स्लिप स्लिप एंड नेट फ्रॉम बैक बैकलो दैट्स आर रिपीट फ्रॉम हे टू हेट टूगैदर याणव नेट थ्री यानव एस एसके अगेन वी रिपीट दिस पैटर्न हम मेस्ट टू हैव नेट टूगेदर यान ओवर नेट थ्री वन टू थ्री याण ओवर एस एसके स्लिप स्लिप एंड नेट फ्रॉम बैक बैकलोग वन मोर टाइम नेट टूगेदर यान ओवर नेट थ्री वन टू थ्री yarn over ssk slip slip and knit from back loop knit edge from right side ninth row is complete. tenth row wrong side slip edge yarn in back and knit these all stitches till the end of row Pull edge from wrong side. 10th row is completed and our pattern is also completed. Now we again start this pattern from first row. So one more time we make this pattern from first row. First row right side, slip edge, yarn in front. From here we start our repeat pattern. Pull to 1, 2, knit 3, 1, two, three, पॉल टू वन टू दैट्स आर पीट फ्रॉम है टू है पॉल टू नेट थ्री पॉल टू अगेन वी रिपीट दिस पैटर्न हमें जो है पॉल टू वन टू नेट थ्री वन टू थ्री पॉल टू वन टू वन मोर टाइम पॉल टू वन टू नेट थ्री 1 2 3 fall to 1 2 knit edge from right side again we start this pattern from first row so this pattern looks like this from right side and looks like this from back side in this way we repeat this one to 10 rows and after repetition of 10 rows this pattern looks like this you can apply this pattern in any kind of paper jacket like ladies guardian lady jacket lady shirt girls top babysitter so fan if you like my videos then don't forget to like share and subscribe my channel for more videos so take care and bye bye fan